की शुरुआत होती है चाय और ये टोस्ट के साथ। तो ये मिनी टोस्ट मैं लेकर आई थी मार्केट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टोस्ट है ये। और हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया चाय और टोस्ट का। उसके बाद हम करने लगे थे हमारे लंच की तैयारी। तो किचन में बहुत ही मॉर्निंग में जोश के साथ भगवान के गाने बजाते हुए हम लोगों ने अपना खाना बनाना शुरू किया। तो हम लोग बना रहे थे रोटियां, चावल दाल और बना रहे थे हम लोग सेमी की सब्जी। तो यहाँ पर हमारा लंच जो था वो हमने बनाकर तैयार कर लिया था। और ये जो सेमी की सब्ज़ी है ना, बहुत टेस्टी लगी। तो अभी बरसात में भी सेम आ रही है और मैंने इसको अभी बरसात में फर्स्ट टाइम लेकर आई थी और आज हम लोगों ने खाया। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सब्ज़ी। सिंपल खाना ही सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा खाना सारा हो गया था। फिर सुबह से मूड काफ़ी अच्छा था हम लोगों का। तो हम लोग जब भी वीकेंड होता है तो सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं और मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा समय आज का ऐसे बिताया मॉर्निंग का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, शुरुआत करते हैं हमारे नए ब्लॉग की। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं ब्लॉग अपने कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और आज हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि आज है 10 अगस्त और राखी लगभग पास में आ ही रही है। हम लोग जाने वाले हैं कुछ ही दिनों में घर, तो उसके पहले हम लोग को करनी थी राखी की शॉपिंग। तो जिसमें हमें शॉपिंग में ज़्यादा चीज़ें ऐसी कुछ नहीं लेनी है, सिर्फ राखी वगैरह लेने हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो आज सैटरडे है और सैटरडे छुट्टी का दिन है, वीकेंड है, ऑफिस से भी छुट्टी है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जो वीकेंड है हम लोग राखी वगैरह खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक है जो हमें घर जाना है, तो तब टाइम नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग जा रहे हैं राखी लेने के लिए और ये ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं राखी वाला, जो राखी की शॉपिंग होगी। तो देखते हैं कि बाहर जाके हम कितना ब्लॉग बना पाते हैं। और हम लोग तीनों जा रहे हैं, भाई बहन साथ में बाहर। और आज का जो मौसम है, पानी का तो मौसम है लेकिन पानी आ नहीं रहा है। और चलिए चलते हैं, रेडी हो गए हैं हम लोग निकलने के लिए और आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो निकलने लगी हूँ मैं नीचे और आ गया है ओला ऑटो। तो अभी मैं हूँ लिफ्ट में और नीचे जा रही हूँ। तो आज मूड थोड़ा ठीक नहीं है, मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा है। तो आप लोग की भी राखी की शॉपिंग हो गई या नहीं होगी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए। वो यार मान के किस लिए आना था।
चलो तो जैसे ही हम मार्केट में एंटर हुए और बारिश बहुत ही तेज़ होना शुरू हो गई, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉप के नीचे खड़े हो गए ताकि भीगे ना, और वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुके। करने आए थे शॉपिंग और आ गया पानी, अब भीग गए। मेरी चप्पल भी इतनी ज्यादा फिसलन हो रही है। तो गाइस, जैसे ही हम मार्केट के अंदर आए और बारिश होना शुरू हो गई, हीट तो काफी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केट में ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और साथ ही देखकर लग रहा था कि हाँ, ये फेस्टिव सीज़न की भीड़ है। और हमारे इंडिया में तो इस तरह की भीड़ रहती है त्योहारों में। तो मौसम अच्छा था और धूप भी निकली थी, लेकिन अचानक से बारिश हुई और सब कुछ गीला गीला कर दिया। तो यहाँ पर बैग की शॉप थी, तो चलते फिरते हमने भी देख लिया यहाँ पर बैग। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टफ आया था इस बार, क्योंकि अब राखी का भी सीज़न है। तो यहाँ पर मैंने भी छोटे मोटे पर्स देखे, और इनमें से मैंने एक फ्रेश है ना। हाँ, देखा डाल दो। कैश दे दूंगी। सो यहाँ पर मैंने अपनी राखियों की शॉपिंग शुरू कर दी थी। तो हम आ गए थे थोड़ा मार्केट घूमने के बाद, जहाँ पर सारा राखी का स्टॉल लगा हुआ था। तो इस बार राखी में थोड़े से चेंजेस थे, इस बार कुछ ज़्यादा ही कलरफुल राखियाँ थी। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट था राखियों का, बट मैं तो हमेशा से ही सिंपल राखियाँ लेती हूँ। मुझे ज़्यादा तामझाम वाली पसंद नहीं है, तो मैंने डोरियो टाइप की ही राखियाँ ली। सारी राखियाँ ले ली, रुमाल ले ली, तो सारी मेरी यहाँ पे एक घंटे में, डेढ़ घंटे में सारी शॉपिंग हो गई थी। तो यहाँ पर हमारा शॉपिंग करके हो गया था। और छोटी मोटी चीज़ें ले, नेल पेंट हो जाते हैं, क्लचर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें लिए, और राखियों की शॉपिंग हमारी फाइनली डन हो गई। तो ये भी एक टेंशन रहता है कि हमें जो टाइम है उस पर सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि छुट्टी के दिन में ही करना था। उसके बाद अभी जो आने वाला वीक है, उसमें तो ऑफिस करके घर ही निकलना है 15 अगस्त के एक दिन पहले। तो गाइस, हमारी शॉपिंग हो चुकी थी, और आज का व्लॉग मेरा ये राखी शॉपिंग वाला यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा राखी शॉपिंग का, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जोर गरम, क्योंकि बारिश का मौसम था, और इसको खाते हुए हम पहुंच गए अपने घर। सो गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और हाँ, जुड़े रहिएगा, क्योंकि राखी के भी आने वाले हैं और व्लॉग्स, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को आगे मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।